क्वेश्चन नंबर एट देखिए आप क्या कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर एट. इन द मैन इंडियन रिकॉर्डेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड हाई जंप. लॉन्ग और हाई जंप में डिफरेंस बताना है आपको. तो ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग जंप हमारी, ये लॉन्ग जंप है हमारा, इसमें कितना है 8 मीटर 8 सेंटीमीटर हमको इंडियन रिकॉर्ड में पूछा है. तो 8 मीटर 8 सेंटीमीटर है और हाई जंप कितना है हमारा 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है. तो हमें इसमें क्वेश्चन आंसर हम ऐसे देखेंगे, इसमें लॉन्ग जंप 8 मीटर 0.8 सेंटीमीटर, हाई जंप 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, और इसमें दोनों में डिफरेंस पूछा है तो 5 मीटर 91 सेंटीमीटर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पे. 9th क्वेश्चन देखिए. इन द इंडियन रिकॉर्ड डिफरेंस बिटवीन हाई जंप एंड मैन एंड वुमेन. ये मैन और वुमेन में है. देखिए हाई जंप मैन 2 मीटर 17 सेंटीमीटर और वुमेन जंप 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है. दोनों में डिफरेंस हो गया हमारा 26 सेंटीमीटर का. 11th क्वेश्चन देखिए. 10th क्वेश्चन देखिए पहले. हुज हाई जंप वेरी क्लोज 2.5 मीटर्स. अब 2.5 मीटर्स किसके पास है, देखिए जाविर के पास है. जाविर एस की क्वांटिटी है हमारी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, तो इसमें आंसर आ गया हमारा 2.5 किलोमीटर. तो जाविर क्या हमारा राइट है इसमें. 11 देखो. हाई मैन सेंटीमीटर लॉन्गर शुड माइक पी जंप इज रीच 9 मीटर्स. देखिए 9 मीटर हमारा इसको आना चाहिए इसमें आंसर जो है हमारा. तो कैसे आएगा देखिए, माइक का कितना है, माइक पी कितना है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर है. हमको 9 मीटर पूरा करना है तो पहले 9 मीटर में से हम इसको लेस कर देंगे, माइनस करा डिफरेंस किया दोनों का, तो हमारा आया 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर आया है. अगर हम ये 0.5 सेंटीमीटर इस वाले में माइक पी में प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 9 मीटर आता है जो हमको निकालना था, 9 मीटर तक हमको करना है. 12th क्वेश्चन देखिए. इन द वर्ल्ड रिकॉर्डेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग जंप एंड मैन एंड वुमेन. अब लॉन्ग जंप का पूछा है, मैन वुमेन का कितना है. ये रिकॉर्डिंग हमारी पीछे वाली चल रही है. देखो 19 में ये हमको हाई जंप और लॉन्ग जंप का दिया है, तो हाई जंप मैन में कितना है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये पूछा है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में. लॉन्ग जंप मैन और हाई जंप मैन में देखिए, ये हमारा 12 क्वेश्चन यहाँ पे है. लॉन्ग जंप मैन है आपका 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा यहाँ पे. और वुमेन है हमारी 7, लॉन्ग जंप में 7 मीटर 52 सेंटीमीटर जो है. तो हमने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, ये आ गया हमारा 1 मीटर 43 सेंटीमीटर. ओके यहाँ तक हमारा 12 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ये हमारा है 20 क्वेश्चन. इसमें डिस्टेंस टू कंप्लीटेड मीटर में दिया है हमारा, ये फील्ड हमको दिया है, राउंड बताना है कितना राउंड लगा. देखिए ये हमारा दिया है 800 मीटर. अब देखो यहाँ पे हमारा वन, ये ए है हमारा, ये हमारा क्या है स्क्वायर है, इसकी चारों लेंथ बराबर है, लेकिन इसका चारों सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 800 आएगा. इसीलिए हमारा राउंड कितना लगा रहा है इसमें, 1 राउंड लगा रहा है. यह ए प्लस ए प्लस ए, यह आ गया 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 इजिकल टू 800 मीटर. तो हमने इसमें कितना राउंड लगाया, 1 राउंड लगाया हमने इसमें. ओके अब देखिए डिस्टेंस सेकंड वाले में 2000 है हमारा, 2000 कंप्लीट डिस्टेंस करना है हमको, लेकिन हमको दिया कितना है ये 100 100 100 100, तो 1 राउंड में कितना हुआ हमारा 400 हुआ. 100 प्लस 100 करके हम ऐसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, ये हुआ हमारा 1 राउंड इजिकल टू 400 हुआ. हमको कितने का निकालना है, 2000 का निकालना है. 2000 डिस्टेंस 2000 मीटर, ये हमने 400 मीटर में हमने 1 राउंड लगाया है, तो 2000 मीटर में कितना लगेगा हमारा, तो ये हम आ जाएगा हमारा 2000 डिवाइड बाय 400, तो 4 5 20 आंसर आ गया हमारा 5 राउंड. थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में भी ऐसे ही, ये हमारा ये पूरा सर्कल हमको दिया, एक सर्कल 1 राउंड 200 का है, तो 1000 कितने का होगा. देखिए 200 मीटर इजिकल टू, बेटा
पेन लाइए भैया, मीटर इज इक्वल टू वन राउंड एंड थाउजेंड, थाउजेंड मीटर इज इक्वल टू थाउजेंड। देखिए ये ऊपर आएगी सीरीज, ये टू थाउ 200 नीचे आ जाएगा, तो ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 2 5 10, तो 5 राउंड लगेंगे हमारे इसमें, इस पूरे इसको सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमको 5 राउंड लगाने पड़ेंगे, जब हमारा ये पूरा 1000 का आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है आपको 200 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन देखिए, अब हमको इसमें डिस्टेंस निकालना है कितना है, फोर में डिस्टेंस हमारा निकालना है। हमको वन राउंड लगाने को दिया हुआ है 400, वन राउंड में 400 है तो 5 राउंड में कितना होगा, तो हमको ये निकालना है वन राउंड, हमने वन राउंड लगाया है तो कितना आया है हमारा 400 मीटर हमारा। अगर 5 राउंड हम इस पूरे सर्कल के 5 राउंड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2000 मीटर। ओके ये आ गया हमारा 2000 मीटर यहाँ पे। फिर 5 क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा। देखो इसमें हमको ये रेक्टेंगल दिया, हमको क्वेश्चन दिया है 2000 मीटर डिस्टेंस है हमारा, हमको पूरा एक राउंड हम इसका लगा रहे हैं पहले, तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे इसको हमको, तो ये हमारा एक राउंड हमने लगाया तो वन राउंड कितने का हुआ हमारा, वन राउंड इज इक्वल टू हो गया 300 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 300, ये हुआ हमारा 64 10 1000 1000 मीटर आया, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 1000 मीटर इज इक्वल टू वन राउंड एंड 2000 में कितना होगा, 2000 इज इक्वल टू टू राउंड, 1000 को 2000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 2 राउंड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है हमारा, डिस्टेंस हमको पूछा है इसमें, फील्ड हमको दिया हुआ है ये वाला 6 क्वेश्चन में, फील्ड दिया है हमको 250 250 250 250, तो पूरा वन राउंड लगाने में कितना हुआ हमारा, इन फोर इन चारों को प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा 1000, तो ये हो गया 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हमारा ये आ गया 1000 मीटर इज इक्वल टू वन राउंड हम लगा रहे हैं, राइट। तो टू राउंड में कितना होगा, टू राउंड अगर हम लगा रहे हैं तो कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2000 मीटर। ओके ये आया ना समझ में आपको, इतना ही देखिए इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन करना है, ये अच्छे से सोच समझ के अच्छे से कीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रही हूँ वन बाय वन करके। इसमें 7 क्वेश्चन आप देखिए, है ना चिल्ड्रन, आपको अच्छे से समझना है बेटा। देन अगला भी हमारा यही प्रोसेस है, इसमें भी हमारा ये है कि इसमें रेक्टेंगल दिया है आपको 400 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 100, कितना हुआ इसको पूरा वन राउंड, वन राउंड इज इक्वल टू कितना हो गया 415 4 प्लस 4 8 8 1 9 और 1 10, ये हो गया हमारा 1000 मीटर। तो टू राउंड में कितना होगा, जाहिर है टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2000 मीटर। ओके अब 8 वाला देखिए आप, 8 क्वेश्चन है हमारा, 2500 हमारा डिस्टेंस है, हमारा एक सर्कल का राउंड लगाने में हमको 500 लग रहा है, तो कितने राउंड ऐसे लगेंगे हमारे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये देखिए 500 मीटर इज इक्वल टू वन राउंड एंड 2500 इज इक्वल टू, इसको हम 500 से डिवाइड कर देंगे, आ गया हमारा 5 राउंड, ये है ना हमारा आंसर यहाँ पे। ओके देख लीजिए इस टाइप से हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th वाला, इसमें भी हमको डिस्टेंस ही निकालना है, हमको दिया है ये लेंथ पूरी, जैसे वन राउंड इज इक्वल टू 200 प्लस
हंड्रेड प्लस 50 प्लस 50, 2 प्लस 2 4, 4 और 5 5 10, 1, 4 और 1 5, ये आ गया हमारा 500 मीटर। तो हमारा ये वन राउंड का आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा वन राउंड का आ रहा है, वन राउंड में 500 लगा रहा है। तो पूछा कितने का हमारा, 4 का, 4 का पूछा है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 राउंड, 4 राउंड इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2000 मीटर। ओके, ये आ गया हमारा इसका 9th का आंसर। 10 में देखिए क्वेश्चन, इधर वही डिस्टेंस पूछा है इसमें हमको, एक राउंड हमको दिया हुआ है पूरा 100 का, पूरा राउंड कितने का दिया है हमको इसमें, 100 का दिया है। तो पूछा कितने राउंडों का है, 5 का। तो आंसर से निकालेंगे, वन राउंड इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 5 राउंड इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 500 मीटर। ओके, ये हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, पूरा एक्सप्लेन ना हो ये वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसी में समझा देती हूँ, देखिए आंसर था बेस क्वेश्चन है, ये हमारा ये दिया है ए ए बी सी डी और ई। देखिए ये विलेज दिए हम लोगों को, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। इस पॉइंट से हमारा ए से बी डी सी में हमारे चार तरफ हमको लेंथ भी दी हुई है कि इतने किलोमीटर डिस्टेंस में वो चला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार द विलेज बी फ्रॉम विलेज ए, विलेज ए से बी तक कितना डिस्टेंस है ये, 25 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। डिस्टेंस बी एंड सी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, बी एंड सी इन दोनों कितना है ये 25 प्लस 15, देखो ये हमने यहाँ पे किया 40, तो ये आ गया हमारा 40 किलोमीटर। ओके, फिर व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड विलेज डी, विलेज ए और डी का डिफरेंस कितना है ये दोनों का, 30, तो ये 30 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट विलेज, व्हाट इज़ द डिस्टेंस विलेज ई और डी, ई और डी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस मेहुल हैव द कवर इफ ही वॉन्ट्स टू गो टू फ्रॉम विलेज ई टू विलेज बी टोट विलेज ए। अब विलेज ए से हमारा मेहुल ई, ई का है हमारा ये रहा यहाँ पे, विलेज ई और विलेज बी ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर हो रहा है, तो कितना आएगा ये टोटल, कितना डिस्टेंस किया उसने यहाँ से यहाँ तक मैं उनने 45, ओके 45 किलोमीटर, राइट। देन हाउ मच डिस्टेंस सुनील हैव द कवर ही वेंट फ्रॉम विलेज सी एंड विलेज डी, पॉइंट बी से डी और सी 30 प्लस 15, कितना हुआ ये भी हमारा 45, राइट। देन विच डिस्टेंस इज मोर फॉर प्रदीप विलेज बी एंड विलेज सी और विलेज डी और विलेज ई। अब देखो हाउ मच कितना डिफरेंस है, अगर विलेज बी से डी और ई, क्वेश्चन क्या पूछा है, विलेज बी से टू विलेज सी तक चला वो, ठीक है, और विलेज डी और टू विलेज ई, तो ये और ये इन दोनों का कितना डिफरेंस है ये पूछा है। देखो ये क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, सेवन्थ वाला, इसका सेवन्थ वाला क्वेश्चन यहाँ देखिए, डिस्टेंस बी और सी, बी और सी कितना है, विलेज विलेज बी टू सी, विलेज बी और सी कितना हो गया 20 प्लस 15 इजिकल टू 35 किलोमीटर, राइट। ये इसका आगे दोनों का, फिर नेक्स्ट पूछा डी और ई, विलेज डी टू
ई, डी और ई कितना है 20 प्लस 30, ये हो गया 50 किलोमीटर। सॉरी यहाँ पे 25 है बी का, बी का 25 है, 25 प्लस 15 कितना हुआ 40। सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है, 20 लिखा था मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस हमारा 25 दिया हुआ है इसमें, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 50, ये 40 है 50 है। अब पूछा है किसका ज़्यादा है, अब देखो हमारा इसमें इसका ज़्यादा हुआ विलेज, डी और ई का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, हाउ मच डिफरेंस, डिफरेंस 50, क्योंकि 50 ज़्यादा है तो इसमें से 40 को लेस कर देंगे, हमारा आ गया 10 किलोमीटर। तो देखिए ये आ गया हमारा 10 किलोमीटर। ओके डन, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा हमको ये नीचे दिया हुआ, ये आप ट्राई कीजिएगा इसको, और यहाँ पे भी ये आपका होमवर्क दिया है, देखो लेट डू होमवर्क, ये वाला भी आप पोर्शन आपको खुद करना है, अगर नहीं आता है तो मैं बताऊँगी आपको, ये पूरा आपको खुद करना है, ठीक है ना। ट्राई करके देखिएगा, यहाँ तक ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, करके देखिएगा बच्चा, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको कराऊंगी। ओके मुझे करके दिखाइएगा आपने कैसे किया कैसे नहीं किया है। थैंक यू।